आज मैं मधुबनी जिला में हूं और हम आपको बतला दें कि ये जो दोनों जोड़ी देख रहे हैं ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है इनका। अब हम बतलाएंगे कि साधारण व्यक्तित्व नहीं है, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, लेकिन इनके जीवन के बारे में जब आप जानिएगा तो हम पहले बता दें कि इनका घर देखिए, घर की जो स्थिति, और ये भी इनका अपना नहीं है, ये भी इनका अपना नहीं है। ये मजदूरी करते थे और मजदूरी करते जिनके यहाँ काम करते थे उन्हीं के यहाँ रहने के लिए वो व्यक्ति इनको घर दिया हुआ है कि तुम मेरे यहाँ आए रहो और यहीं पे काम करो, जो भी काम होता है करो, और उसके बदले में जो मजदूरी होगी वो मिलेगा। लेकिन इनका जो सपना कुछ और था, इनको भी लग गया, रील बनाने में मन लग गया और यूट्यूब पे अपना सोशल अकाउंट खोलते हैं और यूट्यूब पे रील बनाने लगते हैं दोनों पति पत्नी, और इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है कि आज आप कह सकते हैं कि लाखों रुपया की अगर बात हो तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी घर नहीं बनाए हैं, आइए विशेष जानते हैं कि कैसा रहा इनका यूट्यूब और फेसबुक का जर्नी, कैसा रहा भाई, नाम क्या हुआ आपका? सबसे पहले तो नमस्कार आपके जितने भी दर्शक हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के, हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपका जो ये यूट्यूब का जो जर्नी रहा, एक आप मजदूरी करने वाले लड़का जिसको जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं, आज भी आपके पास अपना घर नहीं है, जहाँ रह रहे हैं वो किसी दूसरे का है, मालिक का है। मतलब इतना हिम्मत कहाँ से जुटा पाया जिसके पास सर पे छत ना हो, वो भी व्यक्ति यूट्यूब पे समय देने के लिए आता है, और अपना समय किस तरह गंवाए होंगे आप, और लोग क्या कह रहा था स्टार्टिंग समय में? देखिए सर, हमारे पास फिलहाल में अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सारा चीज हम लोग खो चुके थे। तो जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर कुछ पाना चाहते तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। तो पाना अगर चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, तो किए, कोशिश किए। हम लोग टिकटॉक से ही लगे हुए थे तो टिकटॉक पे भी अच्छा खासा वायरल हुए, जस्ट मतलब वायरल होने के बाद तुरंत टिकटॉक बैन हो गया। और उस टाइम में भी बहुत सारा ताना सुने, उस टाइम में दुकान करते थे तो दुकान बंद कर करके रील बनाते थे, तो बहुत सारे लोग ताना मारते थे, मतलब इतना भद्दा भद्दा ताना मारते थे कि हम बता नहीं सकते अपने मुंह से, अभी इतना भद्दा भद्दा गाली तक दे देते थे। तो किसी तरह तीन मतलब 3 साल तक मेहनत किए, वायरल हुए, और उसके बाद ठीक 1 सप्ताह के बाद बैन हो गया, तो थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, और कोरोना भी आ गया उसी टाइम में, बैन हुआ था टिकटॉक, तो डिप्रेशन में चले गए करीब 1-1.5 साल। उसके बाद यूट्यूब पे शॉर्ट का ऑप्शन आया, तो ये शॉर्ट वीडियो बनाई, उस टाइम में फोन था हमारे पास तो शॉर्ट वीडियो बनाई एक, तो ये पहला वीडियो जो है वो करीब 20,000+ व्यू चला गया। तो यह हम रात को गए, हम यही काम करते थे जहाँ अभी देख रहे हैं, तो यही काम करते थे, क्या काम करते थे? यही लेबर वाला काम करते थे, और रहते थे सरकारी जगह पे, मतलब यहाँ से अच्छा। करीब 4-5 किलो 6 किलोमीटर दूर है सरकारी जगह, वहाँ पे खाली जगह है तो वहाँ पे झोपड़ी बना कर रहते थे, तो बहुत सारे लोग रहते थे, हम ही नहीं, हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे, तो वहाँ से पैदल आते थे, पैदल जाते थे। हालांकि कुछ दिन के बाद हमारे मालिक साइकिल दिए थे हमको, तो वहाँ से आते थे जाते थे, तो ये वीडियो बनाई तो वायरल हुआ, मतलब वायरल क्या हुआ, 20,000+ किया तो हम लोग के लिए वायरल ही हुआ। उस टाइम में उतना सब्सक्राइबर भी नहीं था, मतलब समझिए ना, 200-300 सब्सक्राइबर था, और उसमें 20,000 चला गया। तो रात को हम आए तो हमको दिखाई, हम देखे तो हमको फिर मतलब उससे पहले तो हम फोन भी देखते थे तो गुस्सा आ जाता था, जो टिकटॉक पे हुआ था हम लोग के साथ, ये हमको 23,000 करीब व्यू दिखाई, जो देखिए वीडियो बनाए हैं 23,000 व्यू चला गया। हम देखे तो हम बोले नहीं, अगर पहला वीडियो अगर 23,000 गया है तो कुछ तो है, भगवान कुछ तो सोच के रखे हुए, तो बनाओ वीडियो। तो उसके बाद ये अपना बनाने लगे, हम अपना काम करने लगे, हमको जैसे जैसे टाइम मिलता था, जैसे सुबह में या रात में, तो हम भी आ जाते थे एक आध वीडियो में, ये अपना मेहनत करते रही। कुछ दिन के बाद मालिक हमको बुला लिए यहाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, ये घर जो देख रहे हैं इसमें गाय रहती थी पहले, अच्छा इसमें पहले गाय रहती थी, तो गाय डेड कर गई। तो उसके 4-5 दिन के बाद हमको मालिक बोला, यहाँ सामान मान रहता था हमारे मालिक का, मकान बनाने का काम करते, तो सेटरिंग वेटरिंग का जितना भी सामान सारा यहाँ रहता है, यहाँ कोई रहता नहीं था, सिर्फ गाय रहती थी, वो भी डेड कर गई, तो पूरा सुना हो गया। तो हमको ऑफर दिया, जो यहाँ पे घर है सो आके रहना चाहते हो तो रह सकते हो, भाड़ा किराया नहीं लगेगा, अपना काम भी करना, यहीं पर रहना अपना फैमिली के साथ। तो हम इनको चर्चा किए, गए घर तो इनको चर्चा किए, तो ये बोली चलिए ठीक है वहीं पर रहेंगे। वहाँ पे दिक्कत भी था, जहाँ हम रहते थे वहाँ पे वहाँ भी अपना नहीं था, वहाँ भी अपना नहीं था, सरकारी था, और दिक्कत बहुत था वहाँ पे, मतलब लाइन नहीं, एक तो लाइन था ही नहीं, करीब 1-1.5 साल तक हम लोग मोबाइल के फ्लैश लाइट पे रहे, कहीं कहीं से चार्ज करके लाते थे, लाइन नहीं था, और ऊपर से वहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं था, आधा 1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था, साइकिल पे उठा उठा कर लाते थे, कभी कभी पैदल भी ले आते थे, बहुत दिक्कत होता था। तो यहाँ आए, उसके बाद यहाँ रहने लगे, करीब 2 साल करीब यहाँ पे हो गया हम लोग को रहे हुए। तो हमारा पहला वीडियो वायरल हुआ, ये बगल में घर है उसमें भी गाय रहती है, उसी में वीडियो बनाए थे, ठंडी का समय था ये बनाई थी वीडियो, वहाँ वायरल हुआ, और सेम आवाज पे यहाँ पे बनाई वीडियो, ये जो चबूतरा दिख रहा है यहाँ बनाई, वो भी वायरल हुआ,
इतना अच्छा खासा वायरल हुआ जो वहां से फिर हम लोग का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। वहां से अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन होने लगा और जो हमारा दोस्त दूसरा तीसरा चैनल था वो भी अच्छा खासा चलने लगा। तो अभी हम लोग सिल्वर प्ले बटन का कभी उम्मीद ही नहीं किए थे। फोन उनमें देखते थे तो मन होता था सामने से देखने का, तो कभी सामने से देखे नहीं थे। तो फिर हम लोग का वो भी सपना पूरा हुआ, सिल्वर प्ले बटन आया, एक नहीं दो दो आया, दो दो चैनल हम लोग का ग्रो किया और दो दो सिल्वर प्ले बटन आया। तो अभी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है। यहाँ के भी मतलब बहुत सारे ऐसे थे जिस टाइम हम लोग वायरल नहीं हुए थे उस टाइम में बहुत सारे यहाँ के लोग भी ताना मारते थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अभी के डेट में जो लोग ताना मारते थे उनके घर में लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं वीडियो और उनके फ़ोन में हम लोग का फोटो रहता है। ये चीज़ वो लोग देखते भी है और देखते बनाते हैं, हाँ देखते हैं, हालचाल भी पूछते हैं। और पहले टोन मारते थे, ताना मारते थे, अब नहीं, अब कहीं भी देखते हैं तो हालचाल पूछते हैं, क्या सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बस ये सब पूछते हैं और बोलते हैं जो सपोर्ट कर, हमारे बच्चे को भी सपोर्ट करो, ऐसे करके बोलते हैं। तो अच्छा लगता है, थोड़ा पहले से बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक का भी प्यार मिल रहा है। इधर जो काम हुआ, जो लेबर का काम करते थे तो वो करीब अभी कुछ दिन से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे अब जरूरत नहीं नहीं जरूरत तो हर हमेशा आदमी को जिंदगी भर जरूरत है काम करने का, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर देखिए दो काम लेबरिंग करने की अब जरूरत नहीं है, ये कह सकते हैं लेबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये भी एक काम ही हुआ, वीडियो बनाना भी काम ही हुआ, ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुआ। जो बनाते हैं वही समझते हैं जो कितना मेहनत है वीडियो बनाने में। देखने वाले तो बोलते बैठ के पैसा कमा रहे, नहीं भाई बैठ के पैसा नहीं कमाते, एक दिन करके देखिए फिर पता चलेगा। आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन जो नहीं बनाते वो नहीं समझते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं। तो हम बोले भैया देखो एक बार हमारे जगह पे आके देखो, वीडियो बना के देखो, कंटेंट सोच के देखो और पड़ोस के देखो उस पब्लिक के सामने में, इसके बाद देखो क्या मेहनत है क्या नहीं है। तो हम लोग अभी कुछ दिन से इधर वीडियो वीडियो बनाना रहता है और इधर फिर आप लोग आ जाते हैं, कई सारे ब्लॉगर भी आए हैं तो सभी को टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए के काम के लिए टाइम नहीं बच पाता है। तो हमारे मालिक ही बोले हुए हैं उस टाइम में, जिस टाइम में मतलब काम कर ही रहे थे तो बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए, तो काम छोड़ छोड़ के आते थे हम मतलब मिलने के लिए, तो ऐसे में दिक्कत होता था। अब लेबर क्लास का समझते हैं ना, मिस्त्री के पीछे लेबर है, लेबर गायब हो जाएगा तो मिस्त्री का काम कौन करेगा, मिस्त्री के साथ कौन रहेगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता। मालिक हमारे बोले छोड़ो वो काम, यही काम करो। वो काम छोड़ दो, तुम यही काम करो। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब यही काम करते हैं। तो उस दिन से अब यही काम कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। हम बोले भी एक बार जो चले जाते हैं खाली करके तो बोले नहीं अभी नहीं जाना है खाली करके, अभी रहो ऐसे।